नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सुनने टू इन्फिनिटी पर। डियर, मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर, सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को मैं आज बताने वाला हूं PhD के बारे में। डियर, आप सभी के आपके कई क्वेश्चन होते हैं जिसके बारे में आपको जानना होता है। अगर आप PhD की तैयारी कर रहे हो इसलिए आप वीडियो को देख रहे हो, या इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो इसलिए आप वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि PhD की प्रोसेस क्या क्या होती है। यानी आप अगर 12th के बाद से स्टार्ट करते हो PhD, आप सोच रहे हो कि मैं PhD करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मुझे किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या मैं कैसे PhD करूँ, या मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम जो दूंगा क्या सभी के अंदर सभी कॉलेजों में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है PhD के लिए, क्या मुझे UGC नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन सभी के बारे में आज जितना भी आपका डाउट है वो सभी मैं क्लियर करने वाला हूँ। आपके सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं पहले वीडियो में बता देता हूँ आपकी सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या क्या होते हैं। क्वेश्चन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो अधिकतर क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपका क्वेश्चन होते हैं, आपके क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यही रहता है, जब आप PhD करना चाह रहे हो तो पहले आप PhD के बारे में जानना जरूरी होता है। तो आप पहले तो ये बताइए, अगर आप सभी को पता है तो आपको दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री बताइए शैक्षणिक इस मार्ग के ऊपर, यानी कि शैक्षणिक क्षमता के ऊपर आपकी सबसे बड़ी डिग्री कौन सी होती है। अगर मैं आपसे बात करूं, पहला क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन की बात करूं डियर, आपका दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि PhD का पूरा नाम क्या है। आप सभी को पता है कि PhD का पूरा नाम क्या है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, पता चल जाएगा। और जिसको पता है वो कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए कि आपका जो PhD का है, आप बताइए एक बारी हिंदी में उसका क्या अर्थ है। आप इंग्लिश में सभी को पता है लगभग, लेकिन हिंदी में किसी को पता नहीं है, जिसको पता है तो पहले उसके बारे में आप बताइए। तीसरा क्वेश्चन आपका ये होता है कि PhD क्या होता है, PhD आखिर होता क्या है, इसमें क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से हम PhD करते हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में, क्या मैं 1 साल के अंदर PhD कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर आपका अगला क्वेश्चन होता है क्या PhD मुझे करना चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। ये भी तो आपका क्वेश्चन है कि PhD में करूँ तो क्यों करूँ, मुझे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, पहले उसके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या मुझे इसमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्या PhD डिग्री एक डिग्री है या इसमें मुझे नौकरी देंगे, वो भी मैं सभी आपको इसके अंदर बताऊंगा। फिर आपका छठा क्वेश्चन होता है कि PhD कितने साल का कोर्स होता है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। अगर PhD कोर्स 3 साल का होता है तो क्यों टाइम लगता है, अगर 3 साल का नहीं है 6 साल का है तो इसमें 6 साल का वक्त क्यों लगता है, इतना वक्त क्यों लगता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि PhD कितने साल का कोर्स होता है। अगर PhD कितने भी साल का कोर्स हो लेकिन उसके अंदर आपको PhD करने में 6 साल क्यों लगते हैं, क्या कारण है, क्या वजह है जिसके कारण आपको इसमें 6 साल का टाइम देना पड़ता है। फिर अब अगला क्या आपका क्वेश्चन रहता है कि क्या यूके और इंडिया में PhD के लिए कोई एज लिमिट होती है, या यूके की बात ना करूं, कोई बाहर से ना भी कर रहा हो या इंडिया से कर रहा हो तो वो भी मैं पूछ सकता हूं कि क्या इंडिया के अंदर एज लिमिट है, नहीं, उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं कि क्या एज लिमिट है या नहीं है, या आप बाहर से अगर PhD करते हो तो उसकी एज लिमिट क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहता है कि विदेश में PhD के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, नॉर्मल से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अधिकतर नहीं रहता है लेकिन जिसका भी हो, कोई बाहर बाहर से करना चाह रहे हो कि डॉक्यूमेंट्स का पता रखना है तो एक बार ध्यान रखिएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगला जो आपका क्वेश्चन होता है, क्या भारत में PhD के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्या भारत के अंदर PhD के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है, ये आपका क्वेश्चन होता है। क्या एग्जाम देना जरूरी है, क्या सभी कॉलेजों के अंदर एंट्रेंस एग्जाम जरूरी है, क्या सभी का पैटर्न एक होता है, यही इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आज आपको यही, और अगला आपका क्वेश्चन होता है कि PhD के लिए अगर एंट्रेंस टेस्ट होता है तो क्या सभी के अंदर अलग अलग होता है, उस सभी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ सुनने से इन अनंत की ओर, यानी सुनने टू इन्फिनिटी, 0 से लेकर अनंत तक मैं इसके बारे में आपको नॉलेज दूंगा। अब मैं आपको शुरू करता हूँ, आपके जो डाउट्स हैं क्लियर करना चाहूँगा। अगर मान लो इनमें से आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो इनमें आपका क्वेश्चन नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगी कि आपका कौन सा क्वेश्चन रहा है जो इसके अंदर नहीं आया है, जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको दिया गया है तो आप बता सकते हो, और कमेंट सेक्शन में भी आप इसके बारे में बता सकते हो कि सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं आया है तो मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिए, मैं बिल्कुल आपको जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। चलो अगली बात करता हूँ,
पहला आपका जो क्वेश्चन था कि अगर मैं आपसे कहूं कि विश्व के अंदर या दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल या सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, तो पीएचडी के बारे में आपको बता देता हूं कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त उच्च शैक्षणिक डिग्री है ये, किसी को प्रदान की जाने वाली ये प्राय सर्वोच्च शैक्षणिक डिग्री है, सबसे ऊंची डिग्री मान सकते हो आप इसको। अगर मैं आपसे कहूं कि जो जो भी है, यानी जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जब हम समाज में उन्हें देखते हैं जो डॉक्टर ना होकर भी डॉक्टर लगाते हैं, इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि वो किसी न किसी चीज के अंदर या किसी एक टॉपिक के अंदर एक परफेक्ट आदमी है, यानी कि उसने जो डिग्री की है वो एक किसी न किसी सब्जेक्ट या किसी किसी टॉपिक पर रिसर्च किया है, यानी उसके बारे में गहराई से हमने नॉलेज की है, तब जाके उनको एक्सपर्ट होने के बाद में उसको पीएचडी डिग्री दी जाती है। उस सभी के बारे में अभी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। फिर आपका जो क्वेश्चन होता है वो होता है पीएचडी का फुल फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अगर मैं आपसे कहूं कि सर इसमें फिलोसफी का क्या अलग से फिलोसफी भी कर सकते हो डॉक्टर, इसके अंदर पीएचडी में फिलोसफी में कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो डियर, ठीक है। और पीएचडी का अगर हिंदी में बात करूं तो हिंदी में इसका नाम होता है विद्यावाचस्पति, याद रखना है, ये एक उपाधि होती है डियर, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपका क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पीएचडी के बारे में सबसे पहले पीएचडी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग क्या होता है, शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पीएचडी। आप सभी को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। पीएचडी का मूल उद्देश्य क्या होता है डियर? पीएचडी का नया उद्देश्य ये होता है कि नई खोज को जन्म देना, यानी ऐसी ऐसी चीजों को तलाशना, अलग अलग विषयों पर के बारे में गहराई से ज्ञान अर्जित करना। इन सभी के बारे में आप गहराई तक जाओगे, यानी नई स्किल्स बाहर निकल कर आती है, नए तरीके निकल कर आते हैं, वो जो तरीके निकल के आते हैं वो कौन पता लगाते हैं? ये पीएचडी वाले ही पता लगाते हैं कि किस तरीके से हमें आगे विकसित करना है, या किन, यानी कि हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग होता है, तो उनके बारे में आपको अलग अलग रिसर्च करना होता है, नई चीज़ों को जानना, समझ पाना, उसका असल परिभाषा क्या होती है उसके बारे में जानना। अगर आप वे व्यक्ति हैं जो किसी विषय में गहराई से जानने की दिलचस्पी रखते हैं तो आप पीएचडी कीजिए, मैं इसी की राय दूंगा। अगर आपको बेसिक से गहराई में जाने का शौक है तो आप पीएचडी करने के लिए काबिल हो। आगे मैं बात करूं, अगर आपका जो अगला क्वेश्चन होता है उसका मैं सॉल्यूशन बताता हूं आपको। पीएचडी के बारे में अगर मान लो आप पीएचडी करते हो तो आपका करियर किस किस के अंदर बन सकता है वो भी आपके मायने रखता है, क्योंकि वही तो हम कर रहे हैं। तो पीएचडी करने के बाद आपको एक्सपर्ट की सूची में गिना जाने लगेगा, पहला तो यही मुद्दा है। और ऐसे में आप प्रोफेसर के रूप में अपना करियर बना सकते हो और आपके भी बिना डॉक्टरी करे ही आपके डॉक्टर लग जाएगा, पहला। तो दूसरा आपके पास होता है कि आप अपना करियर बना सकते हो, डॉक्यूमेंट सेंटर खोल सकते हो, या मेडिकल रिसर्च पर काम भी कर सकते हो, या आप अदर भी किसी टॉपिक में काम कर सकते हो। अनुसंधान के क्षेत्रों में आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो, कॉलेज लेक्चरर के अंदर आप काम कर सकते हो, इन सभी चीज़ों के अंदर आप काम कर सकते हो। पीएचडी करने के बाद विद्यार्थी हर लेवल के अंदर नौकरी पाने के काबिल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो इतनी गहराई से उस चीज़ के बारे में जान रहा है, इसकी गहराई से अंदर तह तक जा रहा है, इसलिए वो उस काबिल हो जाता है कि वो नौकरी पा सके, ठीक है। अगला आपका पास होता है कि सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों क्षेत्रों में पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे अवसर खुल जाते हैं और यह आपके लिए फायदेमंद भी रहता है। अगला आपके पास जो क्वेश्चन आता है, क्या आपके पास पीएचडी करने के लिए एज लिमिट जरूरी है? तो डियर आपको बता दूं, एज लिमिट चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर आप से पीएचडी करना चाह रहे हो तो आप बिंदास हो जाइए, आपकी एज लिमिट उसमें मायने नहीं रखती है। आप किसी भी एज में हो आप पीएचडी कर सकते हो, इसमें कोई एज लिमिट मायने नहीं रखती है। अगला जो आपका क्वेश्चन आता है कि पीएचडी आखिर कितने साल का होता है? देखिए डियर, आपको मैं बता दूं, वैसे रियल पीएचडी 3 साल का होता है, लेकिन इसको कंप्लीट करते करते आपके 6 साल कब बीत जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा होता है कि देखो, पीएचडी वैसे 3 साल का होता है, इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल का समय दिया जाता है कि आप यहाँ तक कर सकते हो, ठीक है। आपको टाइम वक्त दिया जाता है, वैसे आप करना चाहो 3 साल में कर सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है कि आप 3 साल में कैसे कर दिए हो, अच्छी बात है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं आपको कहूं कि 3 साल में पीएचडी पूरा कर सकते हैं, लेकिन पीएचडी के रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है, इसलिए आपको 6 साल का वक्त दिया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें 6 साल का वक्त क्यों लगता है, क्या कारण है कि इसमें 6 साल का वक्त लग जाता है, पीएचडी करने में 6 साल का वक्त क्यों आपका बर्बाद हो जाता है, या आप बर्बाद नहीं कर सकते उसके, मतलब उसमें क्या क्या काम में आते हैं? देखो, मेन बात ये है डियर, आप सभी को बता दूं, उसके देखो, आप जब पीएचडी करते हो
तो आप किसी टॉपिक को डिटेल से रिसर्च करते हो, पता है ना। जब आप डिटेल से जब रिसर्च करते हो तो आपको कई चीज़ों जगह पे जाना भी पड़ता है, या किसी सेमिनारों में भी जाना पड़ता है, ठीक है। यानी बहुत चीज़ों में हमें हिस्सा लेना पड़ता है, और फिर साथ में हमें जो भी नॉलेज हमने एनालिसिस किया है उसको लिखना भी पड़ता है, तो इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है। पहला तो मैंने आपको कहा कि टॉपिक पर डिटेल से रिसर्च करते हैं, फिर दूसरी बात आपको लोगों के बीच में जाना पड़ता है, इसलिए बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, और फिर उस पर थीसिस लिखी जाती है। आप सभी को ये भी पता है क्योंकि थीसिस लिखते हो, तो थीसिस में, अब जब थीसिस का नाम आ ही गया है तो मैं उसके बारे में छोटी सी नॉलेज बता देता हूँ आपको कि थीसिस की बात करें तो पीएचडी की थीसिस में कम से कम 75 से 80, आपके पास 80,000 शब्दों की होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है लिखते हैं जब, ठीक है। अब मैं असल में आपको पीएचडी के बारे में, जब आप दाखिला लेते हो किसी भी कॉलेज के अंदर, आप पीएचडी के अंदर दाखिला लेते हो तो वहाँ पर एक मतलब एक गाइड होता है आपके लिए, एक सुपरवाइज़र जिसे बोलते हैं। आप उस सुपरवाइज़र यानी उस गाइड के अंडर में काम करते हो। अब जब उस गाइड के अंडर में काम करते हो, ऐसे तो आपको क्या पता कि किसके बारे में या किस चीज़ टॉपिक के बारे में रिसर्च करना है, आप तो ध्यान भटक जाओगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग दिशाओं में जाने लग जाओगे। इसलिए एक सुपरवाइजर के अंडर आपको काम करना होता है, पीएचडी करनी होती है उसी के अकॉर्डिंग। वो आपको गाइड करता है, कोर्स की पूरी जानकारी देता है कि किस टाइप से आपका कोर्स है, किस टाइप से आपको करना है पीएचडी, उन सभी के बारे में आपको जानकारी देगा, और आपको उसके मुताबिक ही स्टडी करनी होती है। ऐसे तो आप डुल जाओगे ना, इसलिए तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक सुपरवाइजर भी होता है जो आपको पूरी जानकारी देगा। फिर बात करता हूँ मैं अगले, पीएचडी कोर्स के दौरान आपको सेमिनारों में भाग लेना पड़ता है, आपको अपने रिसर्च पेपर पब्लिश भी करने होते हैं, और कई तरीके की अकादमी जो गतिविधियाँ हैं उसमें भाग लेना होता है। इसलिए आपको पूरा जो 6 साल का टाइम है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। 3 साल का होता है, करना चाहो इतना कर सकते हो, लेकिन टाइम लगते लगते आपको लग ही जाता है। इन चीज़ों में आपको टाइम भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है कि नहीं। चलो अगला जो आपका क्वेश्चन रहता है, पीएचडी कैसे करें, सबसे मुद्दा। यहाँ से आपके कहीं के जो कितने भी सवाल हैं, लगभग आपके जितने भी सवाल हैं जिसका मैंने आपको सवाल भी नहीं दिया वहाँ पर, उनका भी आपको यहाँ पर सारा का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहला स्टेप स्टार्ट से बता रहा हूँ, जब आप पहले सबसे पहले आपको 10-10वीं पास करनी पड़ती है, फिर उसके बाद में 12वीं पास। अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जब आप 10+2 आपको कम से कम अंक 50% अंकों से उत्तीर्ण करना होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में। दूसरा स्टेप आपका ये होता है कि आपको ग्रेजुएशन पूरी करनी होती है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। पीएचडी करने के लिए आपको किसी भी विषय से बैचलर डिग्री में अनिवार्य होता है पास होना। तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप आपका ये होता है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट, जिसे हम मास्टर डिग्री के नाम से भी जानते हैं डियर, वो आपको कंप्लीट करनी होती है, और आपको कम से कम 50% से कम नहीं लाना है। 50% या 55% तो आपको लाने ही लाने हैं मास्टर डिग्री के अंदर, ठीक है, उनसे पास होना ज़रूरी है। देखिए मास्टर डिग्री के पास होने के बाद ही आपको पीएचडी के लिए योग्य माना जाता है, लेकिन अभी जिसने हमें एनईपी की, जिसके बारे में मैंने कहा कि नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार एक कुछ रूल भी सामने बनकर आया था, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 3 स्टेप हो चुके हैं, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। फिर अगला स्टेप होता है आपका, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जैसे आप करते हो यूजीसी नेट की परीक्षा क्लियर करते हो। आपको एक बात और बता दूं, आप तो यूजीसी नेट की क्लियर कर रहे हो, लेकिन जिसके पास मान लो मैथ है, या जिसके पास मैं बात करूं कि जिसका जो साइंस से कर रहा है उसके लिए क्या होगा, तो उन सभी के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो पास डियर, बात ऐसी है कि यूजीसी नेट की परीक्षा क्लियर करें, करना ही पड़ता है, इसमें आपको आगे भी फायदा होता है। जैसे आपने यूजीसी नेट क्लियर किया है तो आपका यूजीसी नेट जब क्लियर करोगे तो कई कॉलेज ऐसी होती है जिसमें डायरेक्ट ही आपका एडमिशन ले लिया जाता है यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ है तो, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, तो कई कॉलेजें आपको डायरेक्ट भी एडमिशन दे देगी, लेकिन कई जो पॉपुलर कॉलेजें हैं उसमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, वो आपका एंट्रेंस एग्जाम लेती है, और सभी का पैटर्न अलग अलग होता है, ध्यान रखना ये भी चीज़ का, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले मेरी बात ये है कि यूजीसी नेट में आपको क्लियर करना होता है क्या क्या चीज़ें, जो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम है वो भी आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। जैसे मैंने 4th मई के अंदर कहा कि आपको यूजीसी नेट क्लियर करें, लेकिन किसी के पास, आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे विदेश में पीएचडी के लिए क्या अलग से एंट्रेंस है। देखो वैसे अलग से एंट्रेंस तो नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि कई कॉलेजें ऐसी होती है जो खुद के
अपनी रोल बना रखी है। जैसे वो कहती है कि हम एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, कई कॉलेजें ऐसे कहती है कि हमें तो इंटरव्यू के द्वारा, कई इंटरव्यू के द्वारा एडमिशन लेते हैं, तो वो भी अलग अलग आपके स्टेप बाय स्टेप कॉलेज के अनुसार मिलते हैं। चौथे स्टेप के अनुसार मैं बता दूं, पीएचडी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे आप सभी लोग जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यूजीसी नेट आप क्वालिफाई करते हो, ठीक है, मान लो आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई है, या कई बच्चों का आपका जेआरएफ क्वालिफाई है, या आप दोनों नहीं करके साइंस से हो तो सीएसआईआर कर रखे होंगे, ठीक है, सीएसआईआर के अंदर यूजीसी नेट कर रखे होंगे, ठीक है। अगला यूजीसी जेआरएफ, अगर आप देखो दोनों में फ़ायदा है, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आपको 10 नंबर, अगर जो इंटरव्यू वाले हैं वो 10 नंबर अलग से मिलते हैं, अगर आप नेट क्वालिफाई हो तो आपको 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है, जो आपका पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर बन के आता है, ठीक है। फिर आपका, आपको अगर बीएचयू से तो रेड क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर आपको जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना आता है पीएचडी एंट्रेंस के लिए, ठीक है। आपको बता दूं आईआईटी जेम, ये हुआ टीआईएसएस रेट जिसको हम बोलते हैं, वो भी एग्जाम ड्यूटीए करना होता है, आईसीएमआर करना होता है, या एम्स पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, ये ऐसे एग्जाम है जिसको आप फाइट करना होता है, जिसके बाद में आप पीएचडी कर सकते हो, ठीक है, सभी को पता है इस चीज के बारे में। अगला जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं, अभी तो जाइएगा नहीं क्योंकि मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। फिर आपको बता दूं कि आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जिसमें आपको जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगते हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, इन सभी का क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। टाइमिंग आपकी 11 बजे से है मॉर्निंग के टाइम, यूट्यूब पर क्लासें होती है, 20 जुलाई से आपकी लाइव क्लासें स्टार्ट हो चुकी थी। टेलीग्राम पर आपको जो भी नोट्स पीडीएफ, आपको सब टेलीग्राम ग्रुप पर एकदम फ्री मिलेंगे नोट्स, ठीक है, तो मिलते हैं उन्हीं क्लासों के साथ। अब आपको जो मैं आपको बता रहा था कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार आपका जो एक FYUP एक प्रोग्राम होता है, जिसे हम बोलते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, आप सभी को पता है ये 4 साल का होता है, पता है ना सभी को, 4 साल का होता है, जो जैसे हमने किया है, जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएट नहीं करते हैं उससे पहले हमारे जो 4 साल का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसी के अंदर काम करते हैं। तो बात ऐसी है डियर, ये जो चला था, न्यूनतम मिनिमम 7.5 और आपके पास 10 स्कोर के अंदर से 7.5 स्कोर वाले स्टूडेंट अब सीधे पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे, यानी अब उनको पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कह रहा है, ठीक है, कि सीधे पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे अगर FUP के अनुसार आप काम करते हो या उसके अनुसार आपका हुआ है, तो अगर आप कर रखे हो तो 4 साल की अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो आप पीएचडी में सीधा एडमिशन ले सकती हो। पीएचडी में एडमिशन के लिए अब इन्हें मास्टर डिग्री की पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, समझिएगा, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, बाद में ऐसा नहीं कहना कि आपको समझ में नहीं आया। नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके तहत आपको जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसको पेश किया गया है, अब सरकार ने इसको बढ़ावा भी दिया है और इसके ऊपर इसके बूस्ट करने का काम भी कर रही है। अब जो इन नियमों के तहत आपको पीएचडी में एडमिशन लेने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको जो 4 ईयर हैं, जैसे मैंने आपको कहा 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 4 ईयर में 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री में कम से कम आपको कितना चाहिए, 7.5 10 में से, ठीक है, CGPA होना चाहिए। अब आप कहोगे सर CGPA क्या होता है, हम तो वैसे सुना होगा लेकिन आपको थोड़ा सा इनमें प्रॉब्लम है, अभी समझाऊंगा, लेकिन आपका 10 के अंदर से 7.5 होना जरूरी है, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इसी प्रोग्राम के अनुसार पीएचडी करना चाहते हो तो की बात कर रहा हूं, हर एक चीज को समझिएगा, ठीक है, तो आपका 10 के अंदर से 7.5 होना जरूरी है। अगर आप SC ST OBC या विकलांग कैंडिडेट के हो तो आर्थिक रूप से आपको पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आपको 0.5 CGPA की रियायत भी मिलती है, यानी कि छूट भी मिलती है, ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपका इस प्रोग्राम के अनुसार 7.5 से कम हुआ CGPA तो क्या करेंगे, तो डियर उसके लिए एक और प्रोग्राम बनाया गया है कि अगर जिसके 7.5 से कम CGPA है तो उन्हें एडमिशन के लिए 1 साल के लिए मास्टर डिग्री करनी होगी। समझने की कोशिश करना, अगर आपके पास अगर इस तरीके से FUP से करते हो तो आपको 7.5 10 में से करना पड़ेगा 7.5,
ठीक है, SC ST OBC के लिए छूट है, वो तो बात अलग है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपको 1 साल के लिए मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी फिर तो, ठीक है। और जो मास्टर डिग्री कर चुके हैं तो उनको तो ये जरूरत ही नहीं है करने की, क्योंकि हो चुका है उनका तो, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक का, अब किसी को कोई डाउट नहीं। अब CGPA का बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। CGPA को बोलते हैं क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, जिसे हम बोलते हैं संचय ग्रेड पॉइंट औसत। जो सभी जितने भी हमने पेपर दिए हैं, ऑल जितने भी स्टेट का है, जो भी हमारे पास जितना भी 12th से लेकर 10th 12th जितना भी सी, उन सभी पेपरों का क्या कर दिया है, निचोड़ के रूप में निकाला गया, एवरेज निकालते हैं। इस प्रकार आपका CGPA निकल कर आता है, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। अब मैं आपको यहाँ तक समझ गए होंगे। मान लो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो, अगर आप इस तरीके से FUP से क्वालिफाई हो, 7 पॉइंट बन रहा है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट PhD कर सकते हो। बात ऐसी इतनी ही नहीं है, अगर मान लो नहीं है तो फिर आपको PhD में एडमिशन लेने के लिए, अब आपको पोस्ट ग्रेजुएट हो गया है, आप सभी का तो हो रखा है इसलिए कर रहे हो, तो अब PhD में जो एडमिशन लेते हैं उसमें आपको क्या क्या करना पड़ता है। देखो बात ऐसी है, ध्यान रखिएगा, आप यहीं पे कंफ्यूज होते हो, आप यहीं पे पूछते हो। तो देखो PhD में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, आपका UGC नेट क्वालिफाई है, या आपका GRF क्वालिफाई है, या आप CSIR से हो, जो भी है क्वालिफाई हो, ठीक है, क्या आपको सीधा ही कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा डियर? नहीं, ऐसा मत सोचना। अगर आप बेस्ट कॉलेज में जाना चाहते हो तो उनके लिए, सभी कॉलेजों के लिए अलग अलग प्रोग्राम से उनका अलग अलग पैटर्न बनाया गया है। अगर कई कॉलेजें ऐसी होती है जो एग्ज़ाम अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो वो सीधा ही, मतलब आपने UGC नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आपका सीधा ही दाखिला दे देंगे, ठीक है। ज़्यादातर कॉलेजों में ऐसा था, UGC परीक्षा क्लियर होने में दाखिला दे देते हैं, ठीक है। जिसका GRF क्लियर हो गया उसको अलग से छूट मिलकर दाखिला मिल जाता है, ठीक है। जबकि कुछ कॉलेज ऐसी होती है जिसमें एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ज़्यादातर जो अभी हाल ही में 2023 के अंदर उसके फॉर्म भी फिलअप हुए हैं, आपको सभी को पता भी होगा। तो पहला तो यही है कि अगर आपके पास कई कॉलेजें हैं ऐसी जिसमें डायरेक्ट UGC के बेस पर ही आपको PhD में एडमिशन दे दिया जाता है, पर आप अगर बेस्ट कॉलेज में लेना चाहते हो या अपनी मनचाही कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और उसमें नहीं हो रहा है, तो उसमें कहीं एंट्रेंस एग्जाम भी आपको देना होता है, कि आपको उस कॉलेज के लिए PhD एंट्रेंस टेस्ट भी पास करना होता है, ठीक है। और इसको पास करने के बाद ही, और कई कॉलेजें ऐसी होती है जो उनके जो पर्सनल इंटरव्यू के तौर पर ही आपको PhD में दाखिला मिल जाता है, ठीक है। तो तीनों स्टेप से आपको ध्यान में रखना है, आपको फॉर्म भी फिलअप करना है, ध्यान रखना कहीं इस वहम में रह जाओ कि मुझे ऐसे ही ले लेंगे ना, ठीक है। तो आपको उस कॉलेज में PhD एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। कई कॉलेजें होती हैं, और कई की बात करता हूँ तो कई में आपके पास जो पर्सनल इंटरव्यू भी लेती है और क्लियर होने के बाद आपको PhD में दाखिला मिल जाता है, ठीक है। ये तीनों स्टेप हैं। अगर मैं आपको ये चीज़ें जानकारी अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। आगे मैं बताऊँ, आगे आपसे मैं बात करूँ, आगे आपको बताना चाहूँगा कि मान लो कि किसी भी PhD में अगर फीस की बात करता हूँ, फैक्टर के बारे में, क्योंकि मेन मुद्दा यही होता है, कई कबार स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं फीस की वजह से। अगर आप सरकारी कॉलेज में PhD की फीस लगभग, आपसे बात करूँ तो ये 20,000 से आपके 60,000 तक हो सकती है। कॉलेज पे डिपेंड करता है, आपकी सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो उन सभी सब्जेक्ट के अनुसार आपकी फीस अलग अलग होती है, ध्यान रखिए इस चीज़ के बारे में। जबकि प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो आपके बता दूँ कि 30,000 से लेकर 1 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000 तक की आपकी फीस हो सकती है, समझिएगा, प्राइवेट कॉलेज के अंदर। सरकारी के अंदर 20 से 60 के बीच में रहती है, ठीक है। ये फीस के बारे में थी। फिर आपके होता है कि सर चलो फीस के बारे में बता दिया, थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप के बारे में भी बता दूँ, है क्यों, क्या बिगड़ रहा है। तो ये लो, PhD में स्कॉलरशिप कितना मिलता है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि PhD छात्रों के लिए भारत में ज़्यादातर स्कॉलरशिप की राशि 10 से 25 हज़ार के बीच में होती है, तो ध्यान रखिएगा। ये रही आपकी जानकारी जो ज़रूरी है, और आगे और बता दूँ मैं आपको इसके बारे में, PhD एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए। यहाँ से आपका देखो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, अभी हाल ही में 2023 के अंदर आपको बता दूं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं PhD के लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको कुछ कहा कि जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कहा, DU हुआ, ठीक है, JNU, ठीक है, BHU हुआ, और BBAU। 2023 में जो भी नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट फॉर PhD, उन सभी के लिए आपको अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम। और उसका देखो पैटर्न क्या क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो पहला इसका पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर का, आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके अंदर आपके क्या क्या चीज़ें दिया जाएगा। पहली बात,
आपके इसके अंदर एंट्रेंस टेस्ट में दो सेक्शन होंगे, आप सभी को ध्यान में रखना है। दो सेक्शन कौन कौन से? पहला सेक्शन होगा रिसर्च मेथेडोलॉजी, सभी को ध्यान में रखना है। अगर किसी भी कॉलेज के अंदर एंट्रेंस एग्जाम लगता है तो उसमें दो ही सेक्शन होते हैं, दो ही सेक्शन के अनुसार आपका एक सेक्शन होता है रिसर्च मेथेडोलॉजी। दूसरा सेक्शन कौन सा होता है डियर? दूसरा सेक्शन हो जाए सब्जेक्ट स्पेसिफाई, स्पेसिफिक, जैसे जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट चुना हुआ है उसी के अंदर आपको मतलब जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाह रहे हो वो आपके पास सब्जेक्ट स्पेसिफाई होता है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये रहता है कि सर हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा, तो बात डियर इतनी है, देखो ईच क्वेश्चन पेपर विल बी हैव 100 MCQ, यानी कि 100 MCQ आते हैं, इसी पेपर के अनुसार बता रहा हूँ, JNU DU के अनुसार, ठीक है। तो 100 MCQ आएंगे क्वेश्चन इन इंग्लिश, पूरा का पूरा पैटर्न इंग्लिश का रहेगा, पूरा पेपर इंग्लिश का रहेगा। ओनली ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज है, जैसे मैंने हिंदी का पेपर है, ठीक है, तो हिंदी जो लैंग्वेज है उसका जो पेपर होगा वो हिंदी में होगा, उर्दू वाला है तो उर्दू में होगा, तो वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, जिस लैंग्वेज से कर रहे हो तो लैंग्वेज में आपका लैंग्वेज का ही पेपर रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो भी इंग्लिश में आ जाए ना, ठीक है। ऑल आगे देखो, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन करना कंपल्सरी है, ठीक है। ड्यूरेशन आपका 3 आवर रहता है, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जो चीज़ें खास थी मैंने आपको बता दी है। रिसर्च मेथेडोलॉजी आप जानते होंगे, वही सेक्शन होता है, ठीक है, दो सेक्शन आपको क्लियर करना होता है। अब आता है मार्किंग स्कीम, क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है? ठीक है डियर, आपको ध्यान में रखना है इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। ईच क्वेश्चन के लिए 4 मार्क होता है, यानी एक क्वेश्चन आपके चार चार नंबर का होता है, सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। करेक्ट, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो आपको 4 नंबर मिलते हैं। ईच इनकरेक्ट, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक नंबर काट लिया जाएगा, कितना? एक नंबर काट लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। गलत तो है, उसके अकॉर्डिंग आपके जो दूसरा क्वेश्चन सही है उसमें से एक नंबर दे दे मेरे को, ठीक है, एक नंबर उसका काट दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं अटेंड करते हो किसी क्वेश्चन का तो उसका तो आपको नंबर भी कहाँ से देंगे, ठीक है, तो वो भी कैंसिल। तो आपको गलत भी भरते हो तो उसका भी नंबर नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ये अभी हाल ही में जो आपने इसका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में आपने अगर फॉर्म भी फिलअप किया होगा, DU का, JNU का, BHU का, BBAU का, और 2023 का जो भी आपके पास सिलेबस है ये इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब सर आप कहोगे कि सर क्या सभी के अंदर यही पैटर्न रहता है? नहीं, ये सभी के अंदर नहीं रहता है, ये सिर्फ इन तीनों चारों कॉलेजों के हैं। देखो सभी का मैंने पहले ही कहा था कि सभी का अलग अलग पैटर्न रहता है, कई कॉलेज तो आपको सीधा ही एडमिशन दे रही है, लेकिन कई ऐसी कॉलेज हैं जो आपको सीधा एडमिशन नहीं देती है। अगला मैं आपके बात करूं कि क्या सभी के अंदर यही सिलेबस है? नहीं, ऐसा सभी के अंदर नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ इग्नेस के बारे में, इग्नेस PhD एंट्रेंस एग्जाम, उसके अंदर भी बात करूँ अभी 2023 के बारे में ही, उसका सिलेबस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। वैसे ही अलग अलग होता है, अगर आप किसी भी कॉलेज से कर रहे हो तो पहले उसके बारे में जान लो कि उसके अंदर क्या है, PhD प्रोसेस जो भी एंट्रेंस की है, ठीक है, उसके बारे में। इसके अंदर बता दूँ, एंट्रेंस एग्जाम होल्ड 70 वेटेज होता है, देयर विल बी पर्सनल इंटरव्यू विच होल्ड 30% वेटेज। इसका मतलब समझिएगा, 70% वेटेज आपका एंट्रेंस एग्जाम का रहेगा और जो पर्सनल इंटरव्यू है वो 30% रहेगा, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है के अनुसार, ठीक है। आगे बात करूं, ये रहा उसका टाइप पूरा पेपर का, ये रहा टाइप ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस रहेंगे, वही MCQ टाइप का रहेगा। टोटल इसमें क्वेश्चन आते हैं 100। 100 की बात करूं तो 50 क्वेश्चन रिसर्च मेथडोलॉजी के होते हैं, 50 क्वेश्चन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टेस्ट ड्यूरेशन वही 3 आवर का, 180 मिनट्स वही रहता है। टोटल मार्क वही उसी के अकॉर्डिंग आपके पास 400 मार्क का रहता है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। एक चीज और रह गई है कि पीएचडी के लिए अच्छा आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है, जो अगर बाहर से कर रहे हो तो उसको तो जरूरी है ना, तो उसके लिए आपके ये रहे आपके पास। देखो आपका शैक्षणिक रिकॉर्ड होना चाहिए, 12th बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री होना चाहिए, अंग्रेजी में कुशलता का प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, मुख्य रूप से जो आप करते हो इसको उसके बारे में। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए, LORs ध्यान रखना है। चौथा आपके पास होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पेपर्स, ठीक है, यानी लिखित स्टेटमेंट होनी चाहिए, व्यक्तित्व का दर्शाती है वो आपके पास होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। आपका लिटरेचर कैसा होना चाहिए, निबंध आपका, वो आपको मायने रखता है। अपडेट प्रोफेशनल रिज्यूम आपको बनाना पड़ता है, तो वो आपको मैं इस सभी के बारे में बता चुका हूँ।
अब हम बात करते हैं डियर, आप आज के लिए इतनी क्लास रहेगी, मिलते हैं कल आपकी जो नेक्स्ट क्लास होती है यूजीसी नेट के बारे में, उन सभी के बारे में हम जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आज आपकी जो नॉलेज है आपको कैसी लगी है आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर, और जिसको अगर क्लास पसंद आती है क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर, टेक केयर, बाय बाय साथियों।